हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। इसमें हम हाउस के बारे में और अपने क्लोथ्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम एक गुड हाउस के बारे में पढ़ेंगे, हाउस को कैसे क्लीन करना चाहिए। क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे, फाइबर के बारे में पढ़ेंगे एंड फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैन यू नेम द क्लॉथ यूज टू मेक योर यूनिफॉर्म। तो अब आपको उस क्लॉथ का नेम बताना है जिससे आपकी यूनिफॉर्म बनती है। वाई वुड वी नॉट फाइंड हाउस बोट्स इन राजस्थान। आपको बताना है कि राजस्थान में हमें हाउस बोट्स क्यों नहीं मिलती हैं, हाउस बोट्स हमें कहाँ मिलती हैं, जहाँ पे लेक्स होते हैं, लेक्स में हमें हाउस बोट्स मिलती हैं, बट राजस्थान तो डेजर्ट होता है, तो वहाँ पे लेक्स नहीं होते, तो हाउस बोट्स कैसे मिलेंगी। पेस्ट योर फोटोग्राफ वेयरिंग योर फेवरेट ड्रेस। वाई इज दिस ड्रेस योर फेवरेट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी जो भी आपकी फेवरेट ड्रेस है उसमें आपको अपनी फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट करनी है और आपको यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ बताना है कि वो ड्रेस आपकी फेवरेट ड्रेस क्यों है। वी नीड अ हाउस टू लिव इन। आर हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, स्टॉर्म एंड रेन। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स एंड थीव्स। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज अराउंड अस। द टाइप ऑफ हाउसेज वी बिल्ड डिपेंड अपॉन आर नीड्स। इट इज द प्लेस वेयर वी कैन बी कंफर्टेबल एंड कीप ऑल आर बिलोंगिंग सेफ। तो हमें रहने के लिए हाउस की जरूरत होती है। हाउस हमें हीट, कोल्ड, स्ट्रॉम, रेन, इन सब से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है और वो हमें एनिमल्स और थीव से भी प्रोटेक्ट करता है। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस देखते हैं, सब अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट हाउसेस बनाते हैं। तो हाउस क्या है, एक वो प्लेस है जहाँ पे हम कंफर्टेबल फील करते हैं और हम सेफ फील करते हैं और हमारा सारा सामान सेफ रहता है। पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस। सम लिव इन फ्लैट्स, अदर लिव इन बंगलोज, सम लिव इन हट्स। मोस्ट हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, आयरन, वुड एंड ग्लास। द वॉल एंड रूफ आर मेड ऑफ आयरन, ब्रिक्स एंड सीमेंट। द डोर्स एंड विंडोज आर मेड ऑफ वुड। ग्लास इज यूज इन विंडोज टू लेट द सनलाइट कम इन। तो सब लोग अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज में रहते हैं, कुछ फ्लैट्स में रहते हैं, कुछ बंगलोज में रहते हैं, कुछ हट्स में रहते हैं। तो ज़्यादातर सारे हाउसेज ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, आयरन, वुड, ग्लास, इन सब से बने होते हैं। जो वॉल और रूफ होती है वो आयरन, ब्रिक्स और सीमेंट से बनी होती है। जो डोर्स और विंडोज होते हैं वो वुड से बने होते हैं। और जो ग्लास होता है, ग्लास में विंडोज का यूज होता है जिससे कि सनलाइट एंटर कर सके। किंग्स एंड क्वींस यूज टू लिव इन वेरी बिग स्पेशियस परमानेंट हाउसेस कॉल्ड फोर्ट्स एंड पैलेसेस। तो जितने भी किंग्स और क्वींस होते थे पहले, वो काफी बड़े स्पेशियस परमानेंट हाउसेस में रहते थे जिन्हें हम फोर्ट्स या फिर पैलेसेस बोलते थे। अ गुड हाउस, अब एक गुड हाउस क्या होता है। अ गुड हाउस शुड हैव ऑल द थिंग्स वी नीड टू मेक आर सेल्फ सेफ एंड कम्फर्टेबल। अ गुड हाउस शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। तो एक गुड हाउस के वो हाउस होता है जिसमें हम कंफर्टेबल फील करें, हम सेफ फील करें। तो हम देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड विद विंडोज एंड डोर्स। इट शुड हैव इनफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर। सनलाइट किल्स जर्म्स एंड कीप्स द रूम्स ड्राई। क्लीन एंड फ्रेश एयर कीप्स अस हेल्दी। तो जो हमारा हाउस होता है, एक गुड हाउस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस वो एक वेल वेंटिलेटेड हाउस होना चाहिए। उसमें प्रॉपर विंडोज और डोर्स होनी चाहिए जिससे कि एयर का क्रॉस हो सके। उसमें सनलाइट आनी चाहिए, प्रॉपर इनफ फ्रेश एयर आनी चाहिए। सनलाइट से जर्म्स किल होते हैं और हमारे रूम्स को वो ड्राई रखें, और क्लीन और फ्रेश एयर आनी चाहिए जिससे कि हम हेल्दी रहें। द विंडोज एंड डोर्स शुड हैव प्रॉपर वायर नेटिंग। दिस कीप्स फ्लाइज एंड मस्किटोज अवे बट अलाउज एयर एंड सनलाइट टू एंटर। तो जितने भी विंडोज और डोर्स होते हैं उन पर प्रॉपर वायर की नेटिंग होनी चाहिए जिससे कि फ्लाइज और मॉस्किटोज एंटर ना कर सके, लेकिन एयर और सनलाइट एंटर कर सके। अ किचन मस्ट बी वेल वेंटिलेटेड टू लेट द स्मोक आउट। तो किचन में भी वेल वेंटिलेशन होना चाहिए जिससे कि जितना भी आप खाना बनाते हो तो उसका जितना भी स्मोक होता है वो सारा आउट हो सके। A house should have a good drainage system to carry away dirty water and other waste materials from kitchen and bathroom. तो एक house में अच्छा proper good drainage system होना चाहिए जिससे कि जितना भी dirty water है या waste material है वो सब भी carry away हो सके kitchen और bathroom से। The floors of the kitchen and bathroom should be sloping so that the water can flow out easily. जो kitchen और bathroom का floor होता है वो sloping होना चाहिए, मतलब इस तरीके से slanting उसका floor होना चाहिए जिससे कि जितना भी वाटर है वो फ्लो आउट कर सके इजीली। क्लीनिंग द हाउस, अब हमें हाउस को कैसे क्लीन करना चाहिए।
Every house should be kept clean and tidy. We should keep our houses neat and clean. There are many ways to keep a house clean. हमें अपना house बिल्कुल clean and tidy रखना चाहिए. So काफी सारे तरीके जिससे हम अपने house को neat and clean रख सकते हैं, हम देखते हैं. We should wash wash basin, toilets and bathrooms daily. हमें ना wash basin, toilets और bathrooms को daily wash करना चाहिए. We should keep dustbins away from the places where we cook and eat. Dustbins should be covered. जहाँ पे हम कुक करते हैं और जहाँ पे हम ईट करते हैं, हमें वहां से डस्टबिन को दूर रखना चाहिए और हमेशा डस्टबिन को कवर्ड रखना चाहिए. वी शुड थ्रो द गार्बेज एट अ प्रॉपर डंपिंग प्लेस. गार्बेज को प्रॉपर डंपिंग प्लेस पे डंप करना चाहिए. वी शुड वॉश द कर्टेन्स ऑन द डोर्स एंड विंडोज रेगुलरली. डोर्स पे जितने भी आपके कर्टेन्स होते हैं या विंडोज पे कर्टेन्स होते हैं, उनको रेगुलरली वॉश करना चाहिए. वी शुड कीप आर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेसेस. This will save time in searching for them. हमें अपना सारा सामान proper place पे रखना चाहिए. इससे क्या होगा, जब हमें उस सामान की need होगी तो हमें उसको ढूंढने में अपना time waste नहीं करना पड़ेगा, हमारा time save होगा. Clothes and fibers. Early humans used leaves to cover their body. Nowadays we wear clothes not just to cover our bodies but also to keep ourselves warm in winters, protect ourselves from sun's heat in summers. Protect ourselves from rain and insect bites. Look good. पहले क्या होता था, जो अर्ली ह्यूमन्स होते थे वो अपनी बॉडीज को लीव्स से कवर करते थे. तो अब हम क्लोथ्स वेयर करते हैं, सिर्फ अपनी बॉडी को कवर करने के लिए ही नहीं वेयर करते हैं, हम विंटर्स में अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए भी वेयर करते हैं, समर्स में अपनी बॉडी को सन की हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए वेयर करते हैं, रेन्स में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेन से इंसेक्ट की बाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए और अच्छा दिखने के लिए हम क्लोथ्स वेयर करते हैं. आर चॉइस ऑफ क्लोथ्स डिपेंड ऑन द क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस ऑफ द प्लेस वी लिव इन. तो हम कब कौन से टाइप का क्लोथ पहनते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, वो वेदर की कंडीशन पे डिपेंड करता है. वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन द समर सीजन. दे कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल इन द हीट एंड ऑल्सो एब्सॉर्ब स्वेट. वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन द विंटर सीजन. दे कीप द बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड. वी वेयर रेनकोट ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अ रेनकोट इज मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. तो हम कॉटन क्लोथ्स कब पहनते हैं, हम समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जो हमें कूल रखते हैं और हमें हीट में कंफर्टेबल फील करवाते हैं और वो स्वेट को भी एब्सॉर्ब करते हैं. इसी तरीके से विंटर सीजन में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं और हमें क्लोथ कोल्ड से प्रोटेक्ट करके रखते हैं. हम रेनी सीजन में रेनकोट पहनते हैं और रेनकोट कैसे बनता है, रेनकोट सिंथेटिक फाइबर से बनता है. From fiber to fabric. अब फाइबर से फैब्रिक बनता कैसे है, Do you know what are clothes made up of? क्या आपको पता है क्लोथ्स कैसे बनते हैं? तो क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स. क्लोथ्स फाइबर्स से बनता है और ये फाइबर्स भी टू टाइप्स के होते हैं. पहला होता है नेचुरल फाइबर्स एंड दूसरा होता है मैन मेड फाइबर्स. पहले हम नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं. नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स. कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स एज वी गेट देम फ्रॉम नेचर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. Cotton clothes keep our body cool and absorb sweat easily. Cotton is obtained from cotton plants. In textile mills, cotton is spun into yarn to make cotton clothes. So, natural fiber हमें या तो plants से मिलता है या animals से मिलता है. जैसे cotton, jute, silk, wool, ये सब natural fibers हैं जो हमें nature से मिलता है, plants और animals से मिलता है. कॉटन क्लोथ्स हमारी बॉडी को कूल रखता है, वो स्वेट को एब्जॉर्ब करता है. और कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है. टेक्सटाइल मिल्स में हम उस कॉटन को स्पन करते हैं यार्न में, जिससे हम कॉटन क्लोथ बनाते हैं. फिर वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम वूल. वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ सम एनिमल्स लाइक शीप एंड याक. वी वेयर वुलन क्लोथ्स व्हेन वी फील कोल्ड. तो वुलन क्लोथ्स किससे बने होते हैं, वो वूल से बने होते हैं. और वो वूल हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें कुछ एनिमल्स जैसे कि शीप और याक के हेयर से मिलती है. हम वुलन क्लोथ्स को कब पहनते हैं, जब हमें कोल्ड फील होता है. We also wear silk clothes on some occasions. We get silk from silkworm. Silk fiber is obtained from cocoons of silkworm. Silk fiber is used to make beautiful silk. तो हम कभी कभी किस occasions पे हम silk के clothes भी पहनते हैं. वो silk हमें कहाँ से मिलता है, silkworm से मिलता है. और silk fiber हमें silkworm के cocoon से मिलता है. Silk fibers use होता है beautiful silk को बनाने में. How can you find out what are threads made up of? तो आप कैसे पता लगा सकते हो कि थ्रेड वो किस चीज से बना है, सो उसको फील करके, उसका टेक्सचर देख के आप बता सकते हो. Man-made fibers. Fibers made by humans in factories are called man-made fibers.
Fiber such as polyester, nylon, rayon, rubber are manufactured by man and are called man-made fibers. तो जो fibers factories में बनते हैं humans के through, उन्हें हम man-made fiber बोलते हैं. अब इसके कुछ examples कौन से हैं? Polyester, nylon, rayon, rubber. तो ये सब man manufacture करते हैं, इसलिए इन्हें man-made fibers बोला जाता है. During the rainy days, we wear waterproof clothes over our dresses to keep ourselves dry in the rain. Raincoats, gumboots and umbrellas are made up of waterproof material like rubber or plastic. तो हम रेनी डेज में अपने क्लोथ्स के ऊपर वाटरप्रूफ क्लोथ्स पहनते हैं, जिससे कि हम रेन से खुद को प्रोटेक्ट कर सकें. जैसे रेनकोट हम पहनते हैं, हम गमबूट्स पहनते हैं और हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं जो कि वाटरप्रूफ मटेरियल से बना होता है, रबर या प्लास्टिक से बना होता है. हम चैप्टर को सम करते हैं. वी नीड अ हाउस टू लिव इन. ग्लास इज यूज इन विंडोज टू लेट द सनलाइट कम इन. अ किचन मस्ट बी वेल वेंटिलेटेड टू लेट द स्मोक आउट. Wash basins and bathrooms should be washed regularly. We wear cotton clothes in the summer season. Silk fiber is obtained from cocoons of silkworm. तो हम हाउस में रहते हैं, हमें हाउस की ज़रूरत है रहने के लिए, और जो हमारे हाउसेस में विंडोज होते हैं उसमें हम ग्लास का यूज़ करते हैं जिससे कि सनलाइट एंटर कर सके. किचन हमारी वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए जिससे कि स्मोक आउट हो सके. वॉश बेसिन और बाथरूम्स को रेगुलरली वॉश करना चाहिए. समर सीजन में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जिससे हमें कूल फील होता है. और सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? हमें कुकून से मिलता है, सिल्क वॉर्म के. सो अब हम इसके कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. द डोर्स एंड विंडोज ऑफ अ हाउस आर मेड ऑफ. तो जो डोर्स और विंडोज होती हैं हाउस की, वो किससे बनी होती हैं? वो वुड से बनी होती हैं. सी ऑप्शन. A house should have a good dash system to carry away dirty water. House में कौन सा good system कौन सा होना चाहिए जैसे कि dirty water carry away हो सके? So good drainage system होना चाहिए, A option. A raincoat is made of. Raincoat किससे बना होता है? Raincoat या rubber से बना होता है. So A option. We wear waterproof clothes in dash days. हम waterproof clothes कब पहनते हैं? Waterproof clothes rainy days पर पहनते हैं, A option. Fill in the blanks. हमें अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे फिल करना है. The types of houses we build depend upon our. हम different types of houses build करते हैं, वो किस पे depend करते हैं? हमारी needs पे depend करते हैं कि हमें कैसे house की need है. A house should be well ventilated with dash and dash. Houses में proper ventilation होना चाहिए. कैसे? Proper doors and windows should be well ventilated with doors and windows. कॉटन क्लोथ एब्सॉर्ब. कॉटन क्लोथ क्या करता है? वो हमारा स्वेट को एब्सॉर्ब कर लेता है. वी वेयर अ डैश इन रेनी सीजन. हम रेनी सीजन में क्या पहनते हैं? हम रेनी सीजन में रेनकोट पहनते हैं जो हमें रेन से प्रोटेक्ट करता है. वी गेट डैश फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप एंड याक. हमें शीप और याक के हेयर से क्या मिलता है? हमें उससे वूल मिलता है जिससे हम वुलन क्लोथ्स बनाते हैं. राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स वंस. अब आपको ट्रू फॉल्स लिखना है. We should throw garbage at a proper dumping place. आपको garbage को proper dumping place पर ही throw करना चाहिए. True, correct. Man-made fibers are made in factories. जो man-made fibers होते हैं वो factories में बनते हैं. True. Silk is a man-made fiber. Silk एक man-made fiber है. False. Silk man-made fiber नहीं है, वो हमें silk worm से मिलता है. We wear cotton clothes in the winter season. हम winter season में cotton clothes पहनते हैं. False. Winter season में हम woolen clothes पहनते हैं. तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया. इसमें हमने अपना एक गुड हाउस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, और हमें कौन से सीजन में कौन से क्लोथ्स पहनने चाहिए उसके बारे में पढ़ा. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. आप इसको अच्छे से रीड करो, इसके एक्सरसाइजेस ट्राई करो. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.